आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जारी की है नई कोयला गाइडलाइन। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में अब स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क समेत सभी स्थल यहाँ पर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वह राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के इस संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। ब्रिटेन से आए नए कोरोना स्ट्रेन वायरस के कारण ये निर्णय यहाँ पर राजस्थान सरकार ने लिया है, राजस्थान के गृह विभाग ने लिया है। वह राजस्थान गृह विभाग की ओर से 1 से 15 जनवरी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज और स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक राजस्थान में बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी। वही स्कूलों में ऑनलाइन अध्यापन, दिल्ली काउंसलिंग ऑफ संबंधित कार्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन के अनुसार 50% शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को यहाँ पर स्कूल बुलाया जा सकेगा। वही केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। वही राजस्थान में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स एवं मनोरंजन पार्क और अन्य स्थान यहां पर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक और राजनीतिक, खेलकूद और मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजन आदि 15 जनवरी तक राजस्थान में इसको अनुमति नहीं रहेगी। वही कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह संबंधी आयोजन हो सकेंगे, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर एसडीएम को और उसको यहाँ पर पूर्व सूचना यहाँ पर विभाग की उन्हें देनी होगी और आयोजन के दौरान 100 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। वही राजस्थान में 9 मार्च नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल राजस्थान में नहीं हो सकेंगे। देश में फ्री कोरोना वैक्सीन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है सफाई। अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को मिलेगा मुफ्त टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले फेज में कोरोना की वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त लगाई जाएगी। शनिवार को केंद्रीय मंत्री से जब पूछा गया कि क्या लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली नहीं, पूरे देश में पहले फेज में कोरोना वैक्सीन को यहाँ पर सभी को फ्री लगाई जाएगी। इस फेज में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यहाँ पर चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। वही हर्षवर्धन ने कहा है कि इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल है। बाकी प्राथमिकता की सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इसके बारे में फैसला सरकार करेगी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आज पूरी प्रक्रिया वास्तविक वैक्सीनेशन का ड्राइव जैसी है, सिर्फ लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल वैक्सीन नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीन देने के बाद कुछ विपरीत प्रभाव लोगों पर पड़ता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी जरूरी तैयारियां यहाँ पर कर रहा है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कों को यहाँ पर टीका दिया जाएगा, इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। फिर नंबर आएगा वैसे लोगों का जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन वे किसी यहाँ पर गंभीर बीमारी से शिकार है, मतलब गंभीर बीमारी के यहाँ उनमें लक्षण है। RBI ने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, बताएगा कितना डिजिटल हो रहा है इंडिया। डिजिटल ट्रांजेक्शन में पिछले कुछ समय से तेजी देखी जा रही है, खासकर कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रचलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट का स्तर पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने DPI यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। DPI कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार बनाया गया था, उस साल का इंडेक्स यहाँ पर 100 माना गया था। RBI के एक बयान में कहा गया है कि मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI 153.47 और 207.84 रहा है। ये अच्छी तेजी के संकेत देता है। आने वाले समय में मार्च 2021 से 4 महीनों के अंतर के साथ RBI DPI का प्रकाशन 6 मई के आधार पर केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर किया जाएगा। वही RBI DPI में 5 व्यापक मानदंड शामिल है जो कि विभिन्न समावधि में यहां पर समय विधि में डिजिटल भुगतान और पेट की स्थिति का आकलन करते हैं।
भारत के पास है कोरोना वैक्सीन का भंडार, करोड़ों डोज पहले से ही है तैयार। नए साल के दस्तक देते ही देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को एक्सपर्ट पैनल ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी यहां पर दे दी है। अब किसी भी वक्त वैक्सीन लगाने का काम देश भर में शुरू हो जाएगा। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने तैयार किया है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम पहले से शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि हमारे देश में भी टीकाकरण की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही वैक्सीन की 7.5 करोड़ डोज यहां पर तैयार कर ली है, जबकि उम्मीद की जा रही है कि जनवरी की पहले हफ्ते में 10 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट उमेश सालिग्राम ने पिछले दिनों एक वेबिनार में कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में वैक्सीन का इतना बड़ा स्टॉक नहीं होगा जितना भारत के पास। इसी हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला ने कहा था कि यहाँ जितना भी वैक्सीन का डोज तैयार होगा उनमें 50% हिस्सा भारत का होगा, जबकि वैक्सीन के बाकी डोज WHO को दी जाएगी। वही आधार पूनावाला ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हम जितना भी डोज तैयार करेंगे उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी। अगर हम एक महीने में 6 से 7 करोड़ डोज तैयार करते हैं तो फिर वे भारत और दूसरे देशों के लिए दिए जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले करीब 5 करोड़ डोज भारत को मिलेंगे। मार्च तक हर महीने 1 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे। वह वैक्सीन बनाने के लिए तीसरी फैक्ट्री तैयार हो रही है। वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अमेरिका कंपनी नवेक्सो के साथ मिलकर यहां पर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत को इससे 50% डोज मिलेंगे। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक के तीसरे फेज के ट्रायल इन दिनों चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये कंपनी भी एक साल में करीब 30 करोड़ डोज तैयार करेगी। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। किसानों ने सरकार को दिया है अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो रिपब्लिक डे पर करेंगे ट्रैक्टर रैली। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 39 दिनों से यहां पर जारी प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को चेतावनी जारी की है। शनिवार को बैठक करते हुए किसान संगठनों ने कहा है कि यदि 4 जनवरी तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं सरकार लेती है तो उसके बाद परिस्थितियों के लिए वही जिम्मेदार सरकार होगी। वही किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ मांगों पर सहमति नहीं बनी तो 23 जनवरी को किसान बड़ा घेराव करेंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी को बड़ी ट्रैक्टर परेड की जाएगी। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया है कि अगली बैठक में खेती और किसानों के हित में फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाले सातवें दौर की वार्ता की रणनीति तय करने के लिए यहां पर आज किसान यूनियनों ने यहां पर किसान संगठनों ने बैठक की थी। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आयोजित हुई इस संयुक्त प्रेस वार्ता में स्वराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि हमारे 2 कानून पर सरकार अभी तक तसमस नहीं हुई है, इसलिए अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार के साथ 4 जनवरी को वार्ता है, यदि इसमें सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं तो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश में जागृति अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। वही जागृति अभियान चलाया जाएगा और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम किया जाएगा। अब यूपी के शाजापुर में भी किसान मोर्चा यहां पर लगाया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, मकर संक्रांति से लग सकती है कोरोना वैक्सीन, 6 जिलों में ड्राई रन हुआ है शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। इस महीने मकर संक्रांति से उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वकीलों के कार्यक्रम को संबोधित वो कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति कोरोना को लेकर बहुत खराब है, जबकि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ भारत में लड़ाई काफी सफल रही है। वही योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि प्रदेश के 6 केंद्रों पर यहाँ पर ड्राई रन चल रहा है और मकर संक्रांति से प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन सिस्टम तैयार करने के लिए यहाँ पर कोशिश तेज की गई है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश में पिछले 24 घंटों में आए 19,079 नए कोरोना के केस। अब तक भारत में 99 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना के केस बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आना शुरू हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के भारत में 19,079 नए मामले सामने आए, जबकि 224 लोगों इस दौरान कोरोना के कारण मौत हुई। नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,03,05,778 हो गई है।
वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए टोटल आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 99,06,387 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,50,183 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,49,218 हो गई है। आयुष्मान के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 8,29,964 कोरोना की जांचें पिछले 24 घंटों में की गई है। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,524 नए कोरोना के केस सामने हैं, जबकि इस दौरान 4,279 लोग ठीक हुए हैं। 59 लोगों के दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक 19,35,736 कोरोना के केस यहां पर सामने आ चुके हैं, यानी 19,35,736 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 18,32,825 लोग रिकवर हो चुके, जबकि 50,580 लोगों की इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के कारण मौत हुई है। महाराष्ट्र में फिलहाल 52,084 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 585 नए केस आए हैं। वही 717 लोग यहां पर ठीक हुए हैं, जबकि 21 लोगों के दौरान दिल्ली में मौत हुई। अब तक 625,954 लोग कोरोना की चपेट में यहां पर आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक 610,039 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,557 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली में कोरोना के कारण। वही दिल्ली में अभी भी 5,358 मरीजों का इलाज चल रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 11 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 844 नए कोरोना के केस यहां पर सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 2,41,000 के आसपास कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 734 नए कोरोना के केस सामने आए। इस दौरान 907 लोग यहां पर कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इस दौरान पूरे गुजरात में पिछले 24 घंटों में केवल 3 लोगों की मौत कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में हुई है। अब तक यहां पर 2,45,775 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,31,900 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,309 लोग कोरोना के कारण गुजरात में अपनी जान गंवा चुके हैं। वही 9,563 फिलहाल गुजरात में एक्टिव केस है, इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।